हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डबली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि कैसे उसका एनालिसिस किया जाता है ना। अब हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। किसी भी डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों, डिजाइन जब भी करने के लिए देगा, किसका? डबली रेनफोर्स्ड बीम का जब भी आपको डिजाइन करने के लिए देगा, तो उसका विड्थ दिया हुआ रहेगा, डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हमको पहले ही बता चुके हैं नीड में। हमने क्या बताया था? डबली रेनफोर्स्ड बीम का नीड तभी पड़ा जब डायमेंशन ऑफ बीम क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। दैट मीन्स डायमेंशन दिया हुआ रहता है, उसी डायमेंशन पे आपको काम करना पड़ता है। तो बी आपको दिया हुआ रहेगा, डी आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, और स्मॉल डी दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है ना। जब कैपिटल डी दे देगा तो फिर स्मॉल डी नहीं दे सकता। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ रहेगा, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ रहेगा, और उसपे लगने वाला लोड दिया हुआ रहेगा। याद रखिएगा, डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, विड्थ और डेप्थ दिया हुआ रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, और लास्ट लोड दिया हुआ रहेगा। इतना कुछ देखकर आपको पूछेगा डिजाइन करने के लिए, मतलब डबली रेनफोर्स्ड बीम को डिजाइन कीजिए। तो पहले बात आपको समझना होगा कि अगर डबली का डिजाइन करने के लिए देता है तो हम लोग क्या निकालेंगे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, डबली का जब भी डिजाइन देगा तो हम लोग निकालेंगे एएसटी और एएससी, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन और एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन जोन। तो प्यारे बच्चों, जो हम स्टेप आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ उसी स्टेप को फॉलो करना है और किसी भी स्टेप को देखना नहीं है। जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसी स्टेप को हमेशा फॉलो करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले निकालना होगा कैलकुलेट, पहला स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। एक स्टेप भी आप इधर से उधर करते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा या गड़बड़ बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम स्टेप लिखाए हैं उसी स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन। सबसे पहले आपको निकालना होगा दिए गए बीम का इफेक्टिव स्पैन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कहां, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में इफेक्टिव लेंथ निकालना होता है और सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। तो क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ बीम या विड्थ ऑफ सपोर्ट। अगर कैंटिलीवर बीम होता है तो क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ बीम बाय 2 या विड्थ ऑफ सपोर्ट बाय 2, जो मिनिमम होता है ना। फिर पहला स्टेप आपका क्या, कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन। दूसरा स्टेप है आपका कैलकुलेट द लोड। दूसरा स्टेप क्या है, लोड कैलकुलेट करना। तो डेड लोड पता रहेगा, लाइव लोड पता रहेगा, विंड लोड दिया रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा, सेल्फ वेट आपको निकालना होगा। सेल्फ वेट कैसे निकलेगा? तो गामा बी डी, और गामा कितना लीजिएगा आरसीसी का, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब सारे लोड को जोड़िएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल लोड। सारे लोड को आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल लोड आ जाएगा। टोटल लोड निकालने के बाद क्या बच्चों, एक काम और रहेगा आपका कि फैक्टर लोड निकाल लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे क्या निकालिएगा, फैक्टर लोड। फैक्टर लोड कैसे निकलेगा, 1.5 इंटू टोटल लोड। याद रखिएगा 1.5 इंटू टोटल लोड, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला स्टेप हमने कल इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट किया, फिर दूसरा हमने फैक्टर लोड को कैलकुलेट किया, तीसरा आपको है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना कि दिए गए बीम पे कितना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट लगता है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा प्यारे बच्चों, तो डब्ल्यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई ए, हमने डब्ल्यू निकाल चुके हैं, एल इफेक्टिव भी निकाल चुके हैं, और ए से डिवाइड करना है। कब? जब सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तब। अगर आपका कैंटिलीवर बीम रहा तो डब्ल्यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 2। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शो में, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है सिंपली सपोर्टेड पर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। और उसी प्रकार से आपका कैंटिलीवर बीम का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट स्टेप होगा प्यारे बच्चों, कैलकुलेट एमयू लिमिट, मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.148 या 0.138 या 0.133 एफ के बीडी स्क्वायर। ये कब लगेगा, जब आपका एफ 250 दिया रहेगा। ये कब लगेगा, जब आपका एफ 415 दिया रहेगा। और ये कब लगेगा, जब आपका एफ 500 दिया रहेगा। ये ऑलरेडी हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में बात कर चुके हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको देखना होगा
कि जो बिम देखिए आपको दिया हुआ ये डाटा है, आपको पता नहीं चलेगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू है या सीली का डिजाइन करना, तो आपको चेक करना होगा कैसे। देखिए हमने फैक्टर बेंडिंग मोमेंट भी निकाला और हमने आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दैट मींस एमयू लिमिट भी हमने निकाला। अगर लगने वाला फैक्टर बेंडिंग मोमेंट कम है, सहने का शक्ति ज्यादा है तो सिंगल रेनफोर्स बीम, अगर लगने वाला फैक्टर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है और उसका सहने का शक्ति कम है तो फिर डबलिंग। याद रखिएगा, लग रहा है बेंडिंग मोमेंट ज्यादा और सहने का शक्ति बीम का कम, तो डिजाइन करना होगा डबलिंग। जब आपको पता चल गया कि बीम आपका डबली रेनफोर्स है तब आपको निकालना होगा एएसटी 1। सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा एएसटी 1। आपको समझ में आ रहा होगा कि डब्ल्यू रेनफॉल बीम में एएसटी 1 क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एएसटी 1। तो देखिए मेरे बच्चों याद रखिएगा एएसटी 1 कैसे निकलता है। एएसटी 1 निकालने के लिए जो आपने निकाला था एमयू लिमिट, क्या निकाला था एमयू लिमिट, मतलब फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमने जो निकाला था एमयू लिमिट इस फॉर्मूले से, उस एमयू लिमिट को क्या करना है T1 के बराबर कर देना है। T1 क्या था, T1 into Z1 0.87 My into AST1 D minus 0.42 XU, और इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना होगा AST1, क्या निकालना होगा AST1। फिर उसके बाद AST1 जैसी कैलकुलेट हो जाएगा मेरे बच्चों तो फिर आपको निकालना होगा एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन जोन। तो देखिए मेरे बच्चों इसको निकालने के लिए AST निकालने के लिए क्या करना होगा, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट माइनस एमयू लिमिट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट माइनस एमयू लिमिट। पहले बच्चों देखिए एक्चुअली क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए पहले बच्चों लगने वाला बेंडिंग मोमेंट 3 किलो न्यूटन मीटर है और सहने का शक्ति है 2 किलो न्यूटन मीटर, तो जो हम कॉम्प्रेशन स्टील देंगे वो किस लिए देंगे, अरे जो एक्स्ट्रा लग रहा है मतलब 3 - 2 मतलब 1 किलो न्यूटन मीटर का जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कौन सहेगा, कौन सहेगा, कॉम्प्रेसर वाला स्टील सहेगा। तो यही बात है, जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है मतलब फैक्टर बेंडिंग मोमेंट माइनस एमयू लिमिट बराबर क्या होगा C2 into Z2। तो क्या जाएगा C2 कितना था FSC into SC D माइनस D डैश, यहां से आपका क्या निकल जाएगा ASC, यहां से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए पहले तो हमने ST1 निकाल दिया, ASC निकाल दिया, अब देखिए हम निकालेंगे कैलकुलेट ASP2, क्या निकालेंगे कैलकुलेट ASP2। तो ASP2 निकालने के लिए आपको करना होगा T2 और C2 को बराबर, T2 और C2 को क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो देखिए पहले बच्चों हमने क्या किया 0.87 MY into ASP2 बराबर FSC into SC, सारा वैल्यू आपको पता रहेगा और ASP2 निकल जाएगा, ASP2 निकल गया। जैसे ASP2 निकल गया देखिए ASP1 भी निकला हुआ, ASP2 भी निकला हुआ, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ST बराबर ST1 प्लस ST2। मेनली हमको यही निकालना होता है ASC और ST, बट इतना निकालने के बाद अगर आपको और बेहतरीन तरीके से डिजाइन करना है तो आपको चेक करना होगा कि मैक्सिमम जो ASC आया है, ASC का मैक्सिमम वैल्यू होता है 4% BD, मतलब इससे कम आना चाहिए, मैक्सिमम टेंशन स्टील लोड ग्रेटर देन 4% BD, BD का 4% से ज्यादा ASC का वैल्यू नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से कॉम्प्रेशन स्टील दैट मीन्स ASC का भी वैल्यू 4% ऑफ BD से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कैलकुलेट नंबर ऑफ बार भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेंसाइल बार बराबर ST/ASC और नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील बराबर ASC/ASC। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम स्टेप को फॉलो करते हुए क्या निकाल सकते हैं डिजाइन कर सकते, इस तरह से स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग डिजाइन कर सकते हैं किसका डब्ल्यू रेनफॉल, जिस प्रकार से हमने स्टेप बताया है उसी प्रकार से आपको स्टेप को याद रखना है और इसी प्रकार से स्टेप को एग्जाम में फॉलो करना है या क्वेश्चन बनाने के दौरान फॉलो करना। तो देखिए पहले तो कभी कभी अंतर क्या होता है, कहां से स्टार्ट करना पड़ता, कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दिया रहता है, डायरेक्ट आपको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, तो प्यारे बच्चों जब आपको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा तो ना तो आप ये स्टेप कीजिएगा ना तो आप ये स्टेप कीजिएगा, डायरेक्ट आपको करना होगा एमयू लिमिट, और एमयू लिमिट निकालने के बाद आपको चेक करते हुए यहां तक पहुंच जाना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट नहीं देखे लेंथ और लोड देगा तो आपको ऐसे चलना होगा, और आपको डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आपको स्टेप नंबर 4 से फॉलो
करना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये कुछ डिजाइन प्रोसीड्यूर थे डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करने का। तो इस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे, हम कुछ एक न्यूमेरिकल पहले भी देख लेते हैं। पहले आप अच्छी तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हम इस स्टेप को फॉलो करने का तरीका भी आपको बता देंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो पहले बच्चों सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजाइन ए बीम 230 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ 200 किलो न्यूटन मीटर, फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यूज M20 कंक्रीट एंड FA 415। तो देखिए पहले बच्चों कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सिंगली है या डबली है, तो चेक करना पड़ता है कि सिंगली की तरह इसको डिजाइन करें या डबली की तरह करें। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा, तो देखिए पहले बच्चों गिवन डाटा में बी कितना दिया हुआ है 230 mm, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 500 mm, सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन मीटर, रेनफोर्समेंट M20 दैट मीन्स FCK डायरेक्ट लिख देते हैं, FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड FY इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर, 415 न्यूटन पर मिलीमीटर। अब देखिए पैर बच्चों इसको सिंगली की तरह डिजाइन करें या डबली की तरह करें, उसको चेक करने के लिए आपको MU लिमिट निकालना पड़ेगा। तो MU लिमिट में कौन सा फॉर्मूला करें यूज करें पैर बच्चों, 415 है, 415 में 0.138 FCK BD स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा ना, 0.138 FCK BD 2, क्योंकि ये आपका कौन सा है FE 415 है। तो 0.138 FCK का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 230 और स्मॉल डी का वैल्यू 500। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग कैलकुलेट कीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो MU लिमिट आ जाएगा 158.65 किलो न्यूटन मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यह हमने बुक से डायरेक्ट आपके आंसर लिख दिया है। अब क्या कैलकुलेशन के बाद सही है क्या गलत है वो आप समझिएगा ना, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, हमने ये आंसर डायरेक्ट बुक से छाप लिया है। अब देखिए पहले जो MU लिमिट हमने निकाल लिया, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ, तो हम बोले थे कि अगर फैक्टर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है MU लिमिट से, आप कॉपी खोल कर देख लीजिएगा, लगने वाला बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है और सहने वाला शक्ति कम है, तो हम लोग क्या करेंगे डबली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन करेंगे। और डबली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन करेंगे तो मैंने आपको AST एंड ASC निकालने का जो रंग पड़ता है, तो स्टेप फॉलो करेंगे कब से, चौथा स्टेप हो गया, तो अब हम पांचवा स्टेप करेंगे, कैलकुलेट AST1। पहले बच्चों AST1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, AST1 निकालने के लिए फॉर्मूला था MU लिमिट बराबर 0.87 FY AST1 D माइनस 0.42 FU, 0.42 FU। अब देखिए मेरे जो XU हमको नहीं पता, डायरेक्ट हम यहाँ पे XU मैक्स रखेंगे, तो XU मैक्स बराबर हमको पता है ये कौन सा 415 के लिए 0.48 D, 0.48 D, D का वैल्यू कितना है 500। तो पहले बच्चों AST1 यहां से हो जाएगा MU लिमिट बटे 0.87 FY D माइनस 0.42 XU मैक्स। आप सारा वैल्यू जान रहे हैं पहले बच्चों, MU लिमिट का वैल्यू कितना है, MU लिमिट 158.65 × 10⁻¹⁶
सिक्स बटे 0.87 इंटू 415 डी का वैल्यू 500 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स का वैल्यू 0.48 इंटू 500। अब प्यारे बच्चों आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, तो AST1 का वैल्यू आ जाएगा 1100.7 मिलीमीटर स्क्वायर, 1100.7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने कैलकुलेट AST1 कर लिया, अब हम करेंगे कैलकुलेट AST2। तो देखिए पहले बच्चों AST2 निकालने के लिए हम क्या बोले थे, पहले AST2 नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों, AST1 के बाद हम बोले थे ASC निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ASC का क्या फॉर्मूला था? फैक्टर बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिट इक्वल टू FSC इनटू ASC D माइनस D'। तो यहां से ASC बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फैक्टर बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिट बटे FSC इंटू डी माइनस D'। होगा या नहीं? AC का वैल्यू ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों फैक्टर बेंडिंग मोमेंट हमको पता है 200, ये पता है आपका 158.65 10^6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों FSC कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों हम बोले थे कि FSC निकालने के लिए D'D का रेशियो होना चाहिए, तो D'D कहीं नहीं दिया हुआ, एज्यूम कर लेंगे 50 mm, एज्यूम कर लीजिएगा, एज्यूम D' बराबर 50। तो 50/500 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0.1। जब आपका D'D का वैल्यू हो गया 0.1, तो FSC का वैल्यू याद किए होंगे कि जब आपका Fe 415 दिया हुआ रहता है, D'D का वैल्यू 0.1 है, तो FSC का वैल्यू होगा 353 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो FSC के जगह पे हम लोग रख देंगे 353, डी के जगह पे 500 और माइनस 50। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ASC का वैल्यू, तो ASC का वैल्यू आपको आ जाएगा 260.2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले बच्चों हमने ST1 निकाले हैं, ASC निकाल लिए हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं AST2। पहले बच्चों इधर हम मिटा देते हैं, इधर मिटाल लेते हैं प्यारे बच्चों, इधर मिटाल है ठीक है ना। अब हम इसके पहले ये था फिर ये था, अब हम इधर बनाने जा रहे हैं कैलकुलेट AST2 कैसे निकलेगा AST2। तो हम बोले थे T2 बराबर C2 कर दीजिए, मतलब 0.87 FAST2 बराबर FSC इंटू ASC करना है, तो ST2 बराबर आपका हो जाएगा FSC इंटू ASC बटे 0.87 FY। FSC निकला हुआ है 353, ASC भी निकाल चुके हैं 260.2 0.87 इंटू 415। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो AST2 आपको आ जाएगा 254.2। तो टोटल AST कितना हो जाएगा? AST1 प्लस AST2, तो टोटल हो जाएगा AST1 हम लोग निकाले थे 1100.7 प्लस 254.2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 1354.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यही था डिजाइन करने का मतलब, हम बोल चुके हैं कि डबली रेनफॉल बीम का डिजाइन करने का मतलब क्या होता है, AST निकालना जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, और ASC निकालना जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद अगर नंबर ऑफ बार निकालना तो आपका मर्जी है प्यारे बच्चों, आप निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, है ना। तो बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो हम अगले क्लास में फिर से इस पे हम इकोनॉमिकल देखेंगे, इकोनॉमिकल और देख लेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफॉल बीम पे, और फैक्टर मतलब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे ठीक है ना। चलिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।